बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना। आज मैंने बनाया है बहुत मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का, और वो भी विदाउट ग्रिल एंड विदाउट ओवन बनाया है। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह बनता है। तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, 6 अदद मैंने ये चिकन के पीस लिए हैं, और इनको मैंने ऐसे मोटे मोटे से कट लगा के इनको धो के साफ करके रखा हुआ है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप चिकन को धो के अच्छी तरह से ड्राई करके रखें, क्योंकि इसके ऊपर फिर हमने कोटिंग करनी है मसाले की। अगर गीला चिकन होगा तो मसाला उतर जाएगा। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो 1 कप दही है, गाढ़ा सा दही है। नमक जो है वो 1.5 टीस्पून है। लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून है, और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून है। अदरक की ये ऐसे धरधरा सा मैंने किया हुआ है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। लहसुन भी 2 टेबलस्पून है। लेमन जूस जो है वो 3 टेबलस्पून है। ऑयल 6 टेबलस्पून है। थोड़ा सा कलर मैंने लिया है, फूड कलर, ऑरेंज कलर है। और उसके अलावा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, चाट मसाला 1 टीस्पून है, और ये मैंने एक हरी मिर्च को अच्छी तरह से पीस के, तो ये 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। तो चलिए इसकी गार्निश, इसको पहले हम मैरिनेट करते हैं, फिर इसको बहुत मज़ेदार सा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम दही को प्याले में डाल देंगे, सारा दही। ये देखिए दही कितना गाढ़ा सा है। इसके बाद अदरक और लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च, चाट मसाला, जीरा, सूखा धनिया, मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, नमक, और ये जो ऑयल है इसमें से मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा हम इसको पकाने के लिए तैयार करने के लिए रखेंगे, और ये डालेंगे हम फूड कलर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स करके रख लिया है, जितना भी हमने इसमें दही में चीज़ें डाली थी। अब हम चिकन को इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चिकन की कोटिंग करेंगे साथ साथ। अब ये देखिए सारी मैंने चिकन को अच्छी तरह से, जितने मसाला था, मसाला हमने योगर्ट में लगाया था तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरह से। अब हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे, तो उसी से इसका टेस्ट आएगा, अच्छी तरह रश बस जाएगा इसके अंदर, तो इसका टेस्ट आएगा। तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं, और फिर इसको ओवरनाइट, फिर कल हम इसको कुक करेंगे। और अगर आप ओवरनाइट इसको नहीं रखना चाहते हैं तो 3 to 4 hours इसको आप मैरिनेट करके रख दें, तो उसका भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन ओवरनाइट अगर रखेंगे तो ज़्यादा इसका टेंडर भी होगा, नरम भी होगा, और इसके जूसी सा बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये लें जी फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का जो है, जिसको हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा था, अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसको कुक करते हैं, और इसको हम विदाउट ओवन इसको पैन में बनाएंगे, तो फिर आप इसको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। चलिए हम इसको कुक करते हैं। अब ये पैन को मैंने गरम किया हुआ है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें डाला था चिकन में, थोड़ा सा हमने बचा के रख लिया था। तो इसको ज़रा अच्छी तरह सारी तरफ फैला लेते हैं, और इसमें हम डालते हैं पीसेस को डालना शुरू करते हैं, ऐसे आनी चाहिए आवाज़। तो इसमें हम 3 पीसेस को डाल देते हैं, और जो ज़्यादा गोश्त वाली साइड है वो मैंने नीचे कर दी है, ये बोन जो है ये ऊपर कर दी है, ताकि वो उसको, अब हमने इसको इसी आंच पे रखना है, इसको ढकना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा और फिर ये सालन की तरह पक जाएगा। तो इसी आंच पे इसको रखते हैं, एक साइड कुक हो जाए तो फिर इसको पलटते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के रखेंगे 5 से 7 मिनट, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। वैसे तो ये ओवरनाइट, आपको पता है मसाले लगे हुए हैं, तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। टिक्का अगर हम बना रहे हों और वो सैलेड के बगैर हो और चटनी के बगैर, तो ये तो उसका मज़ा नहीं आता। तो उसके साथ जब तक टिक्का तैयार होता है तब तक हम इसको अच्छा मज़ेदार सा एक सैलेड भी बना लेते हैं, और इसके साथ हम आपको एक चटनी भी बनाना सिखाते हैं जो बहुत मज़ेदार होती है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए 5 मिनट गुजर गए हैं, तो इसमें इसको मैंने इतनी आंच पे रखा हुआ था कि इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकला। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन होना शुरू हो गया, तिक्के की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया। इसको पलट लेते हैं, ये देखें इसको देखें कितना अच्छा हो गया। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी आंच पे मीडियम टू लो पे इसको ढक के रखते हैं, थोड़ा सा ये अंदर तक गल भी जाएगा और दूसरी साइड भी इसकी तैयार हो जाएगी। टिक्का जो है वो रेडी होता है। तो ये मैंने एक मुट्ठी मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, एक मुट्ठी पुदीना है, एक टमाटर है और हरी मिर्च है। और इसमें मैं आप अपनी मर्जी से नमक डाल लें, मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डालती हूँ और मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। इसमें मैंने योगर्ट नहीं डालना, ऐसे ही इसकी चटनी बनाएंगे जो टिक्के के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको हम पलट लेते हैं। कलर देखें इनका बिल्कुल ये देखें, और सेम प्रोसेस की तरह थोड़ा सा इसको हम ऑयलिंग कर देंगे इसकी। और बस अब हम इनको डिश में निकाल लेते हैं। सैलेड हमने काट के रखा हुआ है और मज़ेदार सा हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी। टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी है और ये हमने कोयले बना के रखे हुए हैं और इसको हमने धुआं देना है इसका, ताकि अभी इसके ऊपर हमने रख दिया है। जल्दी जल्दी से इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डालते ही हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से ये इसकी खुशबू आ जाए। और फिर आपको बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट आएगा जैसे हम मार्केट से ग्रिल या टिक्का तंदूरी लेकर आते हैं। अब हम इसको उठा लेते हैं प्याले को। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें सारा स्मोक आ गया, इसका टेस्ट आ गया। कोयले को हम कर लेते हैं रिमूव। और इसके साथ ही मैंने इसे सैलेड बना के रखा हुआ है और ये जो चटनी मैंने आपको बताई थी बहुत मज़ेदार है। इसमें मैंने योगर्ट नहीं डाला। अगर आपको पुदीने और योगर्ट की चटनी और इमली की चटनी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको ये दोनों रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लेंगी फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का रेडी है जिसे मैंने विदाउट ओवन और विदाउट ग्रिल बनाया है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैंने जो चटनी बनाई है वो बहुत टेस्टी बनी है और होपफुली आप इसको शेयर भी करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।